हर तरफ तनाशाही फैली हुई है। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो छुट्टियों की में कटौती कर दी गई है, बिहार के शिक्षकों के पंख को नोचा जा रहा है, लेकिन दुखद ये है कि ज़्यादातर शिक्षक जो सरकार दे रही है उसी से बहुत खुश हैं, क्योंकि शायद वे उसके भी हकदार नहीं हैं, क्योंकि अगर वे इसके हकदार होते और अपनी आवाज़ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करते तो आज 4 लाख शिक्षकों के सामने सरकार और उसके अधिकारियों की इतनी जरूरत नहीं होती कि उनका बाल बका भी कर पाते। लेकिन हिटलर एक बार अपने साथ संसद में एक मुर्गा लेकर आए और सबके सामने एक एक करके उसके पंख नोचने लगे। मुर्गा दर से तिलमिलाता रहा, इस पर भी हिटलर ने एक एक करके उसके सारे पंख नोच दिए और फिर मुर्गे को फर्श पर फेंक दिया। तब हिटलर ने अपनी जेब से कुछ दाने निकाले और उस दाने को निकाल करके मुर्गे की तरफ फेंक दिया और चलने लगा। मुर्गा दाने को खाता हुआ हिटलर के पीछे चलने लगा। हिटलर बराबर दाने फेंकता गया और मुर्गा बराबर दाने मुंह में डालता हुआ उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार वह मुर्गा हिटलर के पैरों में आकर खड़ा हो गया। हिटलर ने स्पीकर की तरफ देखा और एक तारीखी जुमला बोला कि लोकतांत्रिक देशों की जनता इस मुर्गे की तरह होती है, उसके हुकूमत और हुक्मरान जनता का पहले तो सब कुछ लूट कर उसे अपाहिज कर देते हैं और बाद में उन्हें थोड़ी थोड़ी खुराक देकर उसका मसीहा बन जाते हैं, उनका हक छीन करके और उसी में से थोड़ा थोड़ा देते चले जाते हैं। आज उसी हिटलर की विचारधारा का एक शासक बिहार में शिक्षक रूपी मुर्गे के पंख नोच रहा है। कभी समान काम समान वेतन का हक छीनकर तो कभी पूर्ण वेतनमान और पेंशन का हक छीनकर, दाने के रूप में कभी वेतन वृद्धि कर देता है तो कभी चाइनीज वेतन देकर के खुश कर देता है तो कभी दिलासा देकर शिक्षक रूपी मुर्गा को, बिहार का जो नियोजित शिक्षक है उनको राज कंपनी बनाने का दिलासा देकर के उन्हें ठग लेता है। बिहार के मूल अधिकार से भटकाने के लिए सीएल एसएल की छुट्टी को नहीं माना जा रहा है विभाग के द्वारा, बिना वजह शोकॉज निकाला जा रहा है, कभी शिक्षकों से बोरा बेचवाया जा रहा है तो कभी कबाड़ बेचवाया जा रहा है और इस तरह का कई तनाशाही फरमान जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पर्व त्यौहार की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो छुट्टी है, अन्य कार्य है, उसको इस तरीके से सरकार रद्द कर रही है, जैसे माने हर तरफ तनाशाही फैली हुई है। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो छुट्टियों की में कटौती कर दी गई है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के पंख को नोचा जा रहा है, लेकिन दुखद ये है कि ज़्यादातर शिक्षक जो सरकार दे रही है उसी से बहुत खुश हैं, क्योंकि शायद वे उसके भी हकदार नहीं हैं, क्योंकि अगर वे इसके हकदार होते और अपनी आवाज़ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करते तो आज 4 लाख शिक्षकों के सामने सरकार और उसके अधिकारियों की इतनी जरूरत नहीं होती कि उनका बाल बका भी कर पाते। लेकिन हम तो बस बटे रहेंगे और छोटे छोटे टुकड़े में बटे रहिए और तनाशाह के पीछे पीछे घूमने को मजबूर रहिए। आप समझदार हैं, इसलिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, क्या करना है नहीं करना है, आंदोलन कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, तनाशाह जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे वीडियो को शेयर करने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं देख लिया हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। जब आवाज़ कोई उठाता है, तनाशाहों के खिलाफ आवाज़ कोई बुलंद करता है तो उस वीडियो को शेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोग उसे शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग शेयर भी मत कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।